हेलो गाइस, फिर से एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की इस नई वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी एक किराना दुकानदार हैं तो गाइस किराना दुकानदार वाले किस तरह घर निर्माण आधा किलो का पुराने रेट में लाते हैं और नए रेट में किस तरह बेचते हैं, कितना मुनाफा होता है। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम है दिलशाद, डीआर किराना बिजनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, अगर आप भी एक किराना दुकानदार हो या किराना स्टोर दुकान स्टार्ट की हो तो गाइस आपको मार्केट में ये पता करना है कि जैसे होल निर्मा हो गया, घाड़ी निर्मा हो गया, जो पुराना प्रिंट वाला है उसको आप उठाइए। गाइस, मैं घड़ी बोरी का निर्मा आधा किलो वाला लेके आया हूँ पुराने प्रिंट में। तो गाइस, अगर आप भी किराना स्टोर दुकान की हो, होल पुराने प्रिंट में, घड़ी पुराने प्रिंट में आप उठाइए, जैसे कि आपको पुराने प्रिंट में मिलता है, सस्ता मिलता है। तो आप सस्ता भी अगर 2 रुपये देते हो ना, कस्टमर आपकी दुकान पर ज़्यादा आएंगे, आपको नए प्रिंट निर्मा से ज़्यादा आपको पुराने प्रिंट निर्मा पे फ़ायदा दिखेगा और सेलिंग भी ज़्यादा होगी, कस्टमर आपकी दुकान पर ज़्यादा आएंगे। कस्टमर खुश होकर जाता है, ये सोचता है कि दुकान ठीक है। तो आपको पुराने प्रिंट में घड़ी निर्मा उठाने पे आपको ज़्यादा फ़ायदा है। तो गाइस, आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि घड़ी निर्मा की बोरी पुराने प्रिंट में कितने की आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ये रहा घड़ी बोरी की निर्मा। घड़ी निर्मा 500 ग्राम का, एक बोरी के अंदर 40 पीस होता है। गाइस, आप देख सकते हैं एक बोरी के अंदर 40 पीस होता है, जो कि हमको एक बोरी 1140 रुपये मिला है। गाइस, आप देख सकते हैं, वैसे ये देख सकते हैं, ये पुराना प्रिंट वाला है। 1140 से आप 40 भाग करते हैं, आपको 28.50 रुपये पड़ता है। ये घड़ी निर्मा आधा किलो का अगर आप 33 रुपये में देते हैं तो कस्टमर खुश होके जाता है। तो गाइस, अगर आप घड़ी निर्मा आधा किलो का बोरी लेते हैं नई प्रिंट वाली, आपको जितना पुराने प्रिंट में मार्जिन मिल जाएगा उतना नए प्रिंट में नहीं मिलेगा। और सबसे खास बात ये है कि आपको आप इसमें 2 रुपये कम करके देते हो, कस्टमर खुश होके जाता है। तो आई होप गाइस मेरी वीडियो देख के अगर कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में।